नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टी शर्ट पर सियासी बवाल, भाजपा ने कहा कि वाकई नेहरू का खून, कांग्रेस ने याद दिलाया 10 लाख का सूट। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल, क्या इंटरनेट बंद करने को लेकर कोई प्रोटोकॉल है। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा उन्हें फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर अपराध शाखा ने 4,200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया, तत्काल कर्ज देने वाले ऐप और बल्क SMS के जरिए फर्जी नौकरी के विज्ञापनों की मदद से पूरे भारत में की गई धोखाधड़ी। आपने अरविंद केजरीवाल का हिमाचल में चुनावी दावा, 6 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, बेरोजगारों को देंगे 3,000 रुपए मासिक भत्ता, इस साल के अंत में होने विधानसभा चुनाव। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी वाली याचिका ठुकराई, टीवी पर बहस के दौरान नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर की थी विवादित टिप्पणी। हैदराबाद के बालापुर गणेश का 21 किलोग्राम का प्रसिद्ध लड्डू 24,60,000 रुपए में नीलाम हुआ, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस लड्डू से खरीदार को सौभाग्य, बेहतर स्वास्थ्य, संपदा व समृद्धि मिलती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हैदराबाद में बदसलूकी हुई, मंच पर चढ़कर एक व्यक्ति ने माइक तोड़ दिया, साथ ही शर्मा से भिड़ने की कोशिश भी की लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स ने संभाली राजगद्दी, राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में भावुक हुए महाराज चार्ल्स तृतीय, कहा प्यारी ममा आपने बखूबी जीवन जिया, वह जीवन पर्यंत राष्ट्र की सेवा करने का उनका काम जारी रखेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में 5,552 लोग कोरोना वायरस संक्रमित, महामारी से 16 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 48,850 हुई। फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, इन्हें विजिट करें वेब दुनिया पर।